गाइज वेलकम टू माई चैनल एंड इस वीडियो में इतना इंटेंस मोमेंट है कि मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देख लो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इसमें किल मेरे को ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन इतना बार नॉक किया, इतना बार नॉक होके भी रिवाइव होके उठा। आप सब लोग देख लो ये वाला वीडियो, नया गेम प्ले है। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर नए हो तो लाइक करना वीडियो को, एंड ऑब्वियसली एक छोटा वाला कॉमेंट कर देना, नया वाला चैनल है, थोड़ा सपोर्ट दिखाना भाई लोग, प्यार दिखाना, ऊपर जाना है हम लोगों को। सो लेट्स सी, अब पबजी में ट्रेंड चल रहा है कि सब लोगों को एंशिएंट टेंपल पे जाना है, लेकिन हम एंशिएंट टेंपल पे नहीं जाते क्योंकि उधर फर्स्ट ऑफ ऑल लूट नहीं मिलता। हाँ, लूट मिलता है, लास्ट में मिलता है, फर्स्ट में ऐसा लूट नहीं मिलता जब हॉट ड्रॉप होता है, क्योंकि एक बंदे इधर होगा एक बंदे उधर। तो हमने सोचा पहले लूट के उधर, उसके बाद पुशिंग करेंगे एवरी घर टू घर, एवरी प्लेस टू प्लेस। सो पुशिंग किया गया, उसके बाद उतरते ही सबसे बड़ी बात, मेरे को M4 मिल गया विथ रेड डॉट। यार अब एक ही चीज़ कबाड़ी था, मेरे को एक 3x या 6x दिला दो, ठीक है, उसके बाद तो आग मचा दूंगा। आग नहीं, क्या कहते हैं उसको, तबाही मचा दूंगा, तबाही भाई। ये वाला बात सीरियसली मतलब, मैं कुछ नहीं मचा सकता क्योंकि मैं खुद ही एक नूब हूँ, और चैनल खोला आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, बस वीडियो देखो, मैं नूब हूँ, मैं आई एम नॉट ए प्रो, तो मुझे गाली देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ हमारा लूट कंप्लीट हो चुका था एकदम पूरा वाला, पुचिंग से हम निकल चुके थे क्योंकि हमें घट टू घट पुश करना है, ओके। फिर उसके बाद हमने गाड़ी लेके इतना घुमा कि हमें बंदे ही नहीं मिला। मतलब बंदे कहाँ पे रहते हैं भाई अब, मतलब गाड़ी लेके घर गया, एवरी घट टू घट पुश किया, लेकिन एक भी जगह पे बंदे नहीं देखा। आप ही देख लो खुद, जो दो नंबर बंदा है वो अपना बंदा है, मेरा दोस्त है, लेकिन एक नंबर और तीन नंबर को मैं नहीं पहचानता, रैंडम वाला बंदा है। और रैंडम वाला बंदा करते क्या है, ऐसे ही बकचोदी करते। देखो आप, एक बंदा को बुला के उठाया गाड़ी में और एक बंदा नहीं आ रहा है, देखो आप कैसे आएगा, देखो वो, देखो देखा आपने, इतना लेट करते भाई ये सब लोग, इतना लेट करते क्या वो। मैंने तो कह दिया था ना, गाड़ी लेके मैं इतना घुमा तो आपको अगर दिखाऊंगा तो ऐसा पूरा सीन तो लगभग उधर ही 4-5 मिनट निकल जाएगा। तो अब मैं स्पीड मोशन में आपको दिखाता हूँ वो वाला सीन, मैं कितना घुमा, ओके। बाद हम आ गए हमारा जो सरकारी जॉब है उसके ऊपर। मैं नॉर्मली क्या गाड़ी से उतरता नहीं क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ, अगर बंदे पूछ पूछ करते तो हमें कवर में जाना है, मेरा काम है। तो मेरा बंदे ने मुझे बोला कि उधर MK है, और ये दोनों बंदा तो मेरे को लग नहीं रहा था कि MK चलाएगा, और MK मेरा फेवरेट गन है वन ऑफ द प्रो रेंज के लिए। तो मैंने उठा लिया MK, बस अब तो निकले पड़े इधर से। अब क्या हुआ था, मेरा M4 में एक्सटेंडेड मैग लगा हुआ था, और मेरे को मतलब MK में एक्सटेंडेड मैग लगाना था, इसलिए मैं अब इधर रुक भी नहीं सकता, ड्रॉप के पास है, कहीं से भी पड़ सकते हैं हमको गोली। तो मैंने इस घर में आया, घर में आके सिंपली इधर रुका, उसके बाद इधर का जो फाइट हुआ ओ भाई क्या बोलूँ मैं, सिर्फ देखो आप लोग भाई इधर का जो फाइट हुआ अभी। तो मैं क्या किया, मैं सिर्फ थोड़ी बहुत लूट वूट कर ली क्योंकि मुझे चाहिए तो कुछ नहीं था, बस ऐसे में घर घर घूम रहा था। तो उसके बाद अब हम इधर से निकलने वाले थे, लूट वूट हो गया, जो भी करना था कर लिया। उसके बाद मैं गाड़ी की तरफ गया और तभी एक बॉट आ गया। तो बॉट, मुझे कोई बॉट का किल नहीं चाहिए, ठीक है। तो बॉट को मारने के लिए मेरा कुछ टीममेट एक ही बॉट पे फायर लगाया, ओके अच्छी बात है, फायर लगाया। उसके बाद मैं जब गाड़ी लेके निकलने वाला था तब मेरे को एक गाड़ी दिखाई दी, ठीक है। देखो आप मेरे को कैसे गाड़ी दिखाई देता है, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मैं ड्राइवर का सीट लेता हूँ, तुम एक काम करो तुम पीछे बैठ जाओ, वो लोग बैठ गए मेरा बात सुनने, तभी मेरे को फायर आया, वो देखो बॉट मार रहा था। उसके बाद मेरे को स्लाइटली लेफ्ट साइड पे एक गाड़ी दिखा था, हाँ मैं इधर रुक गया। इसका मेरा रैंडम जो पार्टनर था वो एक बॉट को नॉक किया था, तो मैं उसका किल दे दिया उसको, नहीं तो चोरी वोरी हो जाता बेचारा, रोने लगता।
ठीक है। अब बॉट को मारने के बाद मुझे पता चला कि मेरे गन पे सप्रेसर लगे हुए हैं और मैं M4 के सप्रेसर मुझे पसंद नहीं है, M4 विद सप्रेसर, ओके विदाउट सप्रेसर मैं पसंद करता हूँ। तो जो भी हो विदाउट सप्रेसर मैंने एक को नॉक किया, मैंने सोचा कि ये बंदा शायद इन लोगों का ही मेम्बर है, लेकिन जब ये तीन बंदे थे इधर इन तीन लोगों को मैं नॉक किया, मैंने डैमेज तो बहुत दिया भाई, क्या बोलूँ, देखो किल एक ही आया, नंबर दो ने मेरा किल झेल लिया, ओके नो प्रॉब्लम, टीममेट है अपना। अब ये वाला जो तीन बंदे आए थे पुष्कर ने, ये तीन बंदे ख़त्म हो गया, मतलब एक स्क्वाड क्लियर हो चुका है अभी हमारे हाथ में, और मेरा जीरो किल है, कितना किल है, जीरो किल, एक भी किल नहीं आया, शायद अब एक किल आएगा और एक किल आ गया, ठीक है। अब मेरे को दो बंदे पेड़ के पीछे दिखा मेरे को, तो मैं उन दोनों पे स्प्रे लेने की सोची, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ रहा था, तो मैं एक ट्रायल मारा, नहीं आया बाहर, तो उसके बाद मेरा जो एक नंबर था उसके ऊपर गोली चलाया सालों ने, तो फिर देखो क्या हुआ भाई, इस वाले स्प्रे के लिए तो एक लाइक तो बनता ही है ब्रो, लेकिन एक्चुअली में किल मेरे को नहीं मिलेगा, मैंने कहा था पहले ही एकदम कि मैं बहुत बार नॉक किया बंदे को, लेकिन किल मेरे को इतना नहीं मिलेगा, फिर देखो। अब मैंने सोचा कि उन लोगों को एक नेड करते थे, मर जाएंगे बेचारा, लेकिन वो नेड गया नहीं, उनके पास पहुंचा ही नहीं, और तभी एक गाड़ी हमारे एकदम सामने से क्लोज से गया, लेकिन तभी मेरे हाथ में एम के आ गया और मैं स्प्रे दे नहीं पाया, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्राई किया छोटा वाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे, और तभी वो दोनों बंदे रिवाइव हो चुका था, ठीक है। और ये वाला गाड़ी लेके बंदा इधर आके ठोक दिया, अब इसको गाड़ी घुमाना था, ठीक है, और तब मैंने इसको बहुत सारा डैमेज दिया, लेकिन बंदा नॉक ही नहीं हुआ, मेरे को नहीं मालूम शायद 3 लेवल का हेलमेट था इसके ऊपर, नहीं तो दो लेवल का हेलमेट होता तो बंदे इजी नॉक था, जितने स्प्रे दिया उसको हेड में। मैं अपना बूस्ट कर रहा था और मेरे को एक बंदा दिखा दिया, और मेरे को मालूम था उसका हेलमेट फेस सब डैमेज है, इसलिए मैं अंधाधुंध स्प्रे मारते उसके ऊपर, भाई इस वाला स्प्रे के लिए देख लाइक बनता है, और किल भी कन्फर्म कर लिया अपने हाथों, ठीक है। जो बंदा खड़ा था उधर, तो ये वाला बंदा क्या कर रहा था, सामने किसी से फाइट ले रहा था, लेकिन मेरे को इधर थोड़ा बहुत लैग आ गया था, मेरा जो पिंग है वो 340 पे चला गया था, मैं नॉर्मल फ़ोन की नेटवर्क से खेलता हूँ, मेरा कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है फ़िलहाल के लिए, तो यही है अपना गेमिंग सेटअप, कह दो आप, फ़ोन का ही नेटवर्क यूज़ करता हूँ मैं, इसलिए दिक्कत आती है मेरे को कभी कभी। नेटवर्क का इशू होने के बावजूद भी मेरे को वो वाला बंदा नॉक हो गया मेरा, तो हमने पुश करने की सोची मैं और नंबर दो, क्योंकि नंबर एक को तो अब देख ही पा रहे हो कि मैप में कहाँ पे, वो लोग रैंडम प्लेयर ऐसे ही करता है, तो हम दोनों ने पुश कर दिया, पहले हमारे उधर एक बंदे को हमने देखा, तो नंबर दो ने उसको फिनिश कर दिया, पूरा ही फिनिश करता है। अब उसके बाद इस वही वाला बंदा भी पूरा रिवाइव हो चुका था, क्योंकि स्मोक में था, और हम जा नहीं रहे थे क्योंकि साले सांप के बच्चे कहीं भी बैठा पड़ा होगा और मार देगा इजीली, तो हमने रीच के कवर होते होते थोड़ा सा गया, और देखो नंबर दो ने मार दिया रेज अंकित को। मेरे को मालूम था कि हम लोग अगर उधर से आएंगे तो इजी हमको नॉक फिनिश कर देगा, क्योंकि वो लोग बंदे उधर लेटे पड़े थे स्नेक बन के, तो हमने इस साइड से रोटेट मार के आया और नंबर एक को नॉक भी कर दिया, फिनिश करने ही वाला था, लेकिन मैं स्प्रे दिया डैमेज दिया, लेकिन बीच में पेड़ आ गया थोड़ा सा, तो जो भी हो ये बंदा नॉक हो गया नंबर दो के खातों में। के बाद नंबर दो दोनों की ले गया, पूरा ये वाला स्क्वाड भी पूरा फिनिश हो चुका था। अब हम आ गए फार्म की तरफ, और मेरे को ऊपर एकदम देखो आप लोकेशन देखना बंदे का, उधर एक बंदा दिखा मेरे को, ठीक है, इसको मैंने इजीली मार दी चीयर्स के स्प्रे देके। उसके बाद मैंने एक नेट किया इसके ऊपर, लेकिन बंदा डैमेज हुआ थोड़ा बहुत, वो पीछे की तरफ चला गया था, मैंने सोचा इस साइड भी होगा, तो ये वाला बंदा मेरे नेट से डैमेज हुआ, ठीक है। अब मैंने नंबर दो को कहा कि भाई तू पुश इन कर, मैं तेरे को बैकअप दूंगा, लेकिन एक्चुअल जो गेम था वो कि इन लोगों का जो पटना था वो इधर था ही नहीं, वो कहीं और था, कहाँ पे था बाद में देखो आप लोग। अब ये वाला अंदा जो है इसका किल तो मुझे मिल गया, ठीक है, लेकिन इसका जो टीममेट है ओके, चाहे वो दो हो तीन हो मेरे को नहीं मालूम कितने हैं, लेकिन कहाँ पे है, शायद ये बंदा अगर इधर कैंप है तो वो लोग भी शायद किसी भी जगह पे कैंप करके लेटा हुआ होगा या बैठा हुआ होगा, मेरे को नहीं मालूम, तो मैं इससे थोड़ा 5 कैमो ले ली। अब मेरे को नंबर एक ने बोला कि भाई उसका जो टीममेट है वो टावर के उधर है, तो मैंने पहले सोची कि मैं छत के ऊपर जाके उसको मारूंगा, जो भी हो मेरे को नहीं मालूम कितने बंदे हैं टोटल, ओके उसे बोला कि मैंने एक बंदे को देखा, तो इस घर के इधर एक छोटा सा कवर मिल गया था मेरे को, और मेरे को एक बंदा दिखा था, और मैं उसको 3S के स्प्रे दे के नॉक कर दिया, नॉक डाउन कर दिया उसको। अब मैं नंबर दो को बोला कि भाई तू पुश इन कर, लेकिन ध्यान से करना ओपन में मत जाना, मैं उसको कहा था कि ब्रोकन वॉल के पीछे रहे, लेकिन वो क्या ओपन में चला गया और इधर से दो बंदे मारते, और मैं लगभग कोशिश की भाई उसको बचाने की, लेकिन मैं भी इधर एक गलती कर लेता हूँ, आप गलती को देखो।
मैं क्या गलती करता हूँ, देखो मेरे को अब इस टाइम पे बॉम्ब नहीं करना चाहिए था, ग्रेनेड नहीं फेंकना चाहिए था, मेरे को उधर स्प्रे देना चाहिए था। ये वाला बंदा पेड़ के उधर से अगर नहीं निकलता तो दम्बर तो नहीं मरता। अब एक ही बंदा बचा हुआ था और एक बंदा नॉक था, उसको क्लियर कर दिया नंबर एक। तो मैं गया उसका किल लेने, लेकिन किल मेरे को मिला नहीं, जो भी हो। अब तुम लोग एक चीज़ देखो कि मेरा जो क्रॉस यार्ड है उसका हेड के आसपास है, पेट पे जा रहा है, लेकिन नहीं, कोई डैमेज नहीं हो रहा बंदे को। एम किल मेरा था भाई, एम एसिस्ट से भी आ जाता गोली, क्योंकि इतना प्लेस कवर अप कर रहा है, लेकिन किल एटलास्ट किसको मिला, नंबर एक को मिला। अब हमें जोन की तरफ जाना था, इसलिए गाड़ी पे आ गए और जाने लगे जोन की तरफ, और थोड़ा बहुत बूस्ट वूस्ट कर ली, क्योंकि नहीं मालूम कब कहाँ से पड़ जाए, लास्ट वाला जोन है। अब जोन ऐसी जगह पे बनी थी ना, क्या बोलूँ, कुछ बाकी नहीं रहा बोलने के लिए। मतलब इतना स्नेक होगा ना उधर, ऐसी जगह पे, ऐसे घटिया सी जगह पे जोन है। देखो आप खुद ही देख लो, ऐसी जगह पे जोन बनेगा सब लोग इधर लेटे पड़े रहेंगे, ऐसा भी हुआ। अब देखो मैं गाड़ी लेके बस इस साइड पे आया और ये वाला जो सामने तीन चार पत्थर है इधर रोका, क्योंकि मेरे को कवर चाहिए था। अब देखो पीछे का पत्थर पीछे वाला कवर देगा, अगर कोई बंदा नॉक हुआ तो उसको रिवाइव पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेफ्ट साइड पे एक कवर अप मिल रहा है और सामने की तरफ से भी एक कवर अप मिल रहा है। अब देखो सामने ये वाला बंदा लेटा पड़ा है, मेरे को इसका लोकेशन भी नहीं मालूम था, बस मैं इधर ऐसे ही आया था। इसका जो पढ़ना था वो मेरे पे पुश इन कर दिया, लेकिन कोई मूवमेंट ही नहीं था, सीधा घुस रहा था, मार दिया, इजी बंदा था, इजी डाउन। देन मैं सब जगह चेक कर रहा था और तभी मेरे को एक लाल वाला गाड़ी दिखा और मार दी 6x का स्प्रे, मेरे को 6x मिल चुका था तब। तो मतलब मैं तो पहले ही कह दिया था कि मेरे को 6x या 3x का स्प्रे बहुत बढ़िया लगता है, मतलब फेवरेट चीज़ है मेरा, और बहुत प्रैक्टिस भी किया मैं इसलिए 6x का स्प्रे सीखने के लिए। शायद थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन इतना प्रो तो नहीं हूँ मैं। वो वाला बंदा मर चुका था, तो मैंने इधर देखा कि इधर तीन बंदे टोटली, मैंने सोचा पहले चार बंदे, लेकिन मैं बाद में देखा कि तीन बंदे, ठीक है। तो एक बंदे को मैंने नॉक डाउन कर दिया, उसके बाद बाकी दो बंदे थे, लेकिन मैंने पुश इन नहीं किया क्योंकि हम सिर्फ दो थे और तीन लोग थे, और उन लोगों के पास अच्छा खासा कवर था। अगर मेरे को जाना होता तो ओपन पे जाना होता और ईजी मार देते मेरे को, स्नाइपिंग करके हो या फिर स्प्रे दे के हो, ठीक है। इसलिए मैं इधर ही होल्ड कर लिया, क्योंकि मेरे को मालूम था कि शायद जोन हमारे तरफ अगर आ गए तो उन लोगों को हमारे तरफ आना ही पड़ेगा और तब स्प्रे देके मारेंगे सालो को, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ और जोन था हमारे तरफ। हाँ, तभी मेरा ये जो एक नंबर है, एक नंबर स्नाइपिंग कर रहा था और एक बंदे को नॉकडाउन किया उन लोगों का। हाँ, और मैं थोड़ा सामने कवर अप ले ली जोन के अंदर ही, कि मैं उन लोगों को मार सकूं जब आएगा जोन के अंदर। तभी मैं एक बंदे को स्प्रे दिया, उसका लगा, ऑलमोस्ट 50 HP तो डाउन कर ही दिया था मैंने उसको स्प्रे देके। अब इधर होल्ड कर ली थोड़ा सा, अब मैंने पोजीशन चेंज किया उस पत्थर से इस पत्थर की, इधर आया और तभी मेरा बंदे ने M2 पोर्ट से एक बंदे को नॉक किया और मैंने उसको पूरा निकल दिया, क्योंकि मेरे को मालूम था अगर वो बंदा रिवाइव हो गया ना तो दिक्कत में आ जाएंगे हम लोग। तो एक बंदे को फिनिश कर दिया, अब बाकी अब दो बंदे और जोन पे आना ही है उन लोगों को। अब ये दो बंदे इतने चला के ना, एक को लेफ्ट से भेजा, एक को राइट से भेजा। अब लेफ्ट वाला मैं कैसे खाता हूँ, देखो नॉक, एंड राइट वाला उसको बचाने जा रहा है, सीधा नहीं आके बचाने जा रहा है, उसको भी फिनिश कर दिया इजी। राजेंद्र गुप्ता नाम था इसका, जो भी हो। अब लास्ट वाला जो बंदा है ना, देखो इसको कैसे मारता हूँ सिर्फ देखो। और उस वाला बंदे को मैं ढूंढ रहे थे क्योंकि लास्ट वन बंदे था, तभी मेरे को दिखा और उसको मारा। मेरा एम थोड़ा सा चूक गया क्योंकि तभी आई वॉज रनिंग, लेकिन मैं नेट करने की कोशिश की, लेकिन मेरा जो पिन था वो थोड़ा डाउन साइड आ गया था, मेरे को नहीं मालूम था डाउन साइड है अभी। जो भी हो, मैं एम के लेके पुश इन करते। अब देखो लास्ट वाला बंदे को कैसे मारता हो, ठीक है। मेरे को मालूम था कि वो हील अप हो चुका है, इतना टाइम मिल गया बंदे को, हील अप हो चुका है। अब देखो कैसे मारता हो, देखो लेट के ड्रॉप शॉट एंड चिकन डिनर हमारा। अब मेरा डैमेज देखो 2000+, लेकिन किल कितना मिला मेरे को, सिर्फ 12।